कैसे हो बच्चों? बच्चों, आज हम पाठ पढ़ रहे हैं सुनीता की पहिया कुर्सी। ये हमारी रिमझिम किताब का है और रिमझिम भाग एक का। ठीक है बच्चों, हमने सुनीता की पहिया कुर्सी पढ़ी है। देखो, सुनीता की पहिया कुर्सी, जैसे ये कुर्सी यहाँ दिखाई गई है, ये दिखाया गया है, इस पर ये लड़का खड़ा है, लेकिन सुनीता कुर्सी पर बैठकर चलती थी और अपने सारे काम उस कुर्सी से ही कर लेती थी। तो बच्चों, हमने ये पाठ पढ़ा था और एक्सप्लेन भी हो गया है। अब हम इसके प्रश्न उत्तर करते हैं कहानी से। प्रश्न नंबर एक, सुनीता को सब लोग गौर से क्यों देख रहे थे? देखो बच्चों, सुनीता को सब लोग गौर से क्यों देख रहे थे? इसका उत्तर है, सुनीता को सब गौर से इसलिए देख रहे थे क्योंकि वह अपने पैरों से चलने फिरने में असमर्थ थी और पहिया कुर्सी में बैठकर चल रही थी। वह अपने पैरों से चलने फिरने में असमर्थ थी और वह पहिया कुर्सी पर बैठकर चल रही थी, है ना बच्चों? इस अब प्रश्न है कहानी से। सुनीता को दुकानदार का व्यवहार क्यों बुरा लगा? देखो बच्चों, पहले मैं आपको ये समझा देती हूँ कि कभी भी किसी भी अपंग व्यक्ति को, चाहे वो लड़की है या लड़का है, कोई भी है, उसे देखकर हमें ना तो अजीब व्यवहार करना चाहिए और ना ही उसे देखकर कभी भी ऐसे करना चाहिए कि जैसे वो अपने शरीर में कोई कमजोरी रखे हुए हैं। ये चीज़ बच्चों भगवान की देन है। भगवान जिसको जैसा बना देता है वो वैसा ही बन जाता है। ये चीज़ें मनुष्य के हाथ में नहीं हैं, क्योंकि ना ही इनमें मनुष्य कुछ कर सकता है। मनुष्य किसी अपंग का शरीर पूरा नहीं कर सकता और ना ही किसी पूरे शरीर का आधा कर सकता है। हाँ, दुश्मनी में या लड़ाई झगड़े में वो उसे नुकसान ज़रूर पहुंचा सकता है। तो बच्चों, अब देखो हम इसका उत्तर देखते हैं। उत्तर, सुनीता ने पकड़ने के लिए हाथ बढ़ाया ही था कि दुकानदार ने थैली उसकी गोद में रख दिया। दुकानदार का इस तरह दया दिखाना उसे अच्छा नहीं लगा। देखो बच्चों, यदि कोई हमें ऐसी इस प्रकार की दया दिखाता है तो वो हमें अच्छी नहीं लगती, क्योंकि हम जब अपना काम खुद कर रहे हैं तो उन्हें करने देना चाहिए। अब बच्चों प्रश्न है, सुनीता को सड़क की ज़िंदगी देखने में मज़ा आता है क्या? तुम्हारे विचार, सुनीता को सड़क देखना अच्छा क्यों लगता होगा? आपको अपने विचार से लिखना है। देखो बच्चों, इसमें लिखा है, ये उत्तर है इसका, सुनीता अपने पैरों से चल नहीं सकती थी, इसलिए उसे बाहर की चीज़ों को देखने का मौका कम ही मिल पाता होगा और वह अकेलापन भी महसूस करती थी होगी, इस कारण उसे सड़क देखना अच्छा लगता होगा, ताकि वह बाहरी चीज़ों को देखकर अपना मन वह हल्का कर सके, अपना मन हल्का कर सके, यानी उसे कोई परेशानी ना हो। ठीक है बच्चों, चलो अब प्रश्न है, सड़क को ध्यान से देखो और बताओ तुम्हें क्या क्या चीज़ें नज़र आती हैं, लोग क्या क्या करते हुए नज़र आते हैं? इसका उत्तर है बच्चों, मुझे सड़क के किनारे पेड़ पौधे और
बिजली के खंभे नज़र आते हैं। सड़क पर आते जाते लोग साइकिल, स्कूटर, मोटरसाइकिल, कारें, बसें आदि भी दिखाई देती हैं। लोग आते जाते हुए बातें करते हुए, नींबू पानी पीते हुए, पेड़ों की छाया में बैठे हुए नज़र आते हैं। ऐसा ही होता है ना बच्चों, जब हम रोड पर जाते हैं कोई वहाँ बैठा होता है, कोई चलता रहता है, कोई बातें करता है, कोई मोटरसाइकिल से जा रहा है, कोई स्कूटर से जा रहा है, कोई बैठा हुआ है, तो सब ऐसे ही होते हैं। अब मनाही। फरीदा की माँ ने कहा, इस तरह के सवाल नहीं पूछने चाहिए। फरीदा पहिया कुर्सी के बारे में जानना चाहती थी, पर उसकी माँ उसे रोक दिया। उसकी माँ ने उसे रोक दिया। माँ ने फरीदा को क्यों रोक दिया? देखो बच्चों, इसका उत्तर है, फरीदा ने सुनीता से पहिया कुर्सी के बारे में पूछा तो माँ ने सोचा कि उसके इस सवाल से सुनीता के मन को ठेस पहुँचेगी, इसलिए माँ ने फरीदा को रोक दिया। हाँ बच्चों, यदि किसी के अंदर कोई कमी है और वो फिर उसी की कमी को उससे पूछता है तो उसे बड़ा ही दुख होता है, लेकिन फरीदा की माँ ये नहीं चाहती थी कि उसे दुख हो। चलिए बच्चों, क्या फरीदा की पहिया कुर्सी के बारे में नहीं पूछना चाहिए था? तुम्हें क्या लगता है? इसका उत्तर है बच्चों, मेरी समझ से फरीदा ने सुनीता पहिया कुर्सी के बारे में पूछकर कोई गलती नहीं की। वह तो स्वाभाविक उत्सुकता के कारण पूछ रही थी। उसके मन में सुनीता को दुख पहुंचाने की भावना नहीं थी। देखो बच्चों, ये जो फरीदा थी ये तो सिर्फ सहानुभूति के कारण और अपने मन की उत्सुकता के कारण से पूछ रही थी कि ये पहिया कुर्सी क्या है। उसके मन में ऐसी कोई बात नहीं थी कि वो उसे ठेस पहुंचाना चाहती थी। चलिए बच्चों, क्या तुम्हें भी कोई काम करने या कोई बात कहने से मना कर किया जाता है? कौन मना करता है, कब मना करता है? देखो बच्चों, ऐसा तो नहीं हो सकता कि हमें हमारे घर वाले सारे काम करने देते हैं, ऐसा नहीं हो सकता। लेकिन देखो, इसमें पूछा है कि ऐसा ऐसा कौन सा काम है जो हमारे घर वाले हमें पूछने से मना करते हैं, करने से मना करते हैं? उत्तर, मुझे बाहर जाकर खेलने से मना किया जाता है। जब मैं अपना होमवर्क पूरा नहीं करता हूँ तब मम्मी खेलने से भी मना करती हैं। ऐसा ही होता है ना? हाँ बच्चों, सभी के साथ में ऐसा होता है। मैं भी कुछ कर सकती हूँ। यदि सुनीता तुम्हारी पाठशाला में आए तो उसे किन किन कामों में परेशानी आएगी? इसका उत्तर है बच्चों, यदि सुनीता मेरी पाठशाला में आए तो सबसे पहले उसे कक्षा में जाने में परेशानी होगी। कक्षा में जाने के लिए उसे बरामदे चढ़कर जाना होगा। वह खेल कूद में भाग नहीं ले सकेगी। ठीक है बच्चों, देखो इतनी परेशानियां उसको होंगी। अब सुनीता की सड़क की ज़िंदगी देखने में सुनीता को सड़क की ज़िंदगी देखने में मज़ा आता है। खैर, उसे यह परेशानी न हो उसके लिए अपनी पाठशाला में क्या तुम कुछ बदलाव सुझा सकती हो? उत्तर, पाठशाला की कक्षाओं में पहुंचने के लिए बरामदे में जाने का रास्ता ढाल होना चाहिए।
ढाल वाला होना चाहिए। ऐसे खेल भी कराए जाने चाहिए जिन्हें विकलांग बच्चे भी खेल सकें, दूसरे बच्चे उनके साथ बराबरी का कर सकें। ऐसी व्यवस्था करनी चाहिए, स्कूलों में ऐसी व्यवस्था भी होनी चाहिए कि जो विकलांग बच्चे भी खेल खेल सकते हैं, वह भी अपने मन की बातें कर सकते हैं। अब देखो बच्चों, प्यारी सुनीता, सुनीता के बारे में पढ़कर तुम्हारे मन में कई सवाल और बातें आ रही होंगी। वे बातें सुनीता को चिट्ठी लिखकर बताओ। देखो बच्चों, इसमें चिट्ठी लिखनी है हमें और सुनीता को बताना है, ठीक है बच्चों? लेकिन इसमें ये साफ नहीं।